हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैंने आईबीपीएस क्लर्क का सेकेंड मॉक टेस्ट दिया है स्मार्ट केड़ा का, उसका स्कोर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 17, 2022 का मॉक टेस्ट है। देखते हैं एनालिसिस। सो मेरा स्कोर आया है 75.50 आउट ऑफ 100 और एक्यूरेसी है 92.77%, परसेंटाइल 91.81%। और अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 4 हो गए हैं रॉन्ग और स्कोर आया 19 आउट ऑफ 30। क्वांट में 25 किए थे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, 23.75। रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैंने किए थे 34 जिसमें से 1 हुआ है गलत और स्कोर है 32.75। तो ओवरऑल मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो 83 किए थे और मेरे करेक्ट हैं 77, 6 हो गए रॉन्ग, तो 75.5 स्कोर रहा है। तो अभी देखते हैं कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन गलत किया है, लाइन से 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं और यहाँ पे एरर होगा डी में, डांसिंग एट की जगह डांसिंग विथ जॉय होगा, ये गलत हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सी में एरर होगा, लूम्स होगा, यहाँ पे मैंने गलत किया। इसमें नो एरर सेंटेंस है, इसमें मैंने गलत कर दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में सी में एरर है, यहाँ पे होगा टू इफेक्टिवली प्रोसेस, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन लाइन से गलत हो गए हैं, चारों एरर के क्वेश्चन गलत किए हैं। 23 नंबर, बाकी फिलर्स भी सारे क्वेश्चन सही हैं और ये रीअरेंजमेंट जो है ये भी सही है, ये पैसेज के भी सारे क्वेश्चन सही हैं, वो कैब बेस्ड सारे क्वेश्चन। देन पैसेज के मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 मैंने स्किप किया, 24 स्किप किया और इसके बाद ये वर्ड स्वैप है, यहाँ पे ये मेरा टाइम ओवर हो गया था उसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरे छूट गए। ये तो इजी थे, सारे सॉल्व हो जाते, तो 4 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे वर्ड स्वैप के छूट गए हैं। उसके बाद क्वांट में मैंने एक क्वेश्चन गलत किया है और इसमें मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, उसकी वजह से गलत हो गया। और रीजनिंग में ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, इसमें बोल रहा था कि 10 स्टूडेंट्स श्रुति और सिमरन के बीच में है और मैंने क्या किया 9 कर दिया उनके बीच में, तो इसके ये क्वेश्चन में मेरा 3rd टू द लेफ्ट आ रहा था जो कि ऑप्शन में था, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ये रहा मेरा स्कोर और एनालिसिस। तो आप भी एक मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।